नमस्कार प्रिय बच्चों, हम रीढ़ की हड्डी एकांकी के अंतर्गत देख रहे थे कि किस प्रकार गोपाल प्रसाद और शंकर जो है और रामस्वरूप जी के बीच जो है बातचीत हो रही है। और इसी क्रम में अब देखिए क्या बात हो रही है। रामस्वरूप, यही कि शादी तय करने में खूबसूरती का हिस्सा कितना होना चाहिए। खूबसूरती की बात हो रही है, खूबसूरती से जुड़ा टैक्स सरकार को लगाना चाहिए, ऐसा वो लोग बात कर रहे हैं। और गोपाल प्रसाद के पुत्र शंकर से रामस्वरूप यही जानना चाह रहे हैं कि वो क्या समझते हैं। गोपाल प्रसाद बीच में ही ये बात दूसरी है। बाबू रामस्वरूप, मैंने आपसे पहले ही कहा था लड़की का खूबसूरत होना नहायत ज़रूरी है, कैसे भी हो, चाहे पाउडर वगैरह लगाए चाहे वैसे ही। बात यह है कि हम आप मान भी जाएं मगर घर की औरतें तो राजी नहीं होती। आपकी लड़की तो ठीक है? रामस्वरूप, जी हाँ, वह तो आप देख लीजिएगा। गोपाल प्रसाद, देखना क्या, जब आपसे इतनी बातचीत हो चुकी है तब तो ये रस्म ही समझिए। गोपाल रामस्वरूप, हैं यह तो आपका मेरे ऊपर भारी एहसान है, हैं। और जायचा? गोपाल प्रसाद, जन्मपत्र तो मिल ही गया होगा। रामस्वरूप, जी जायचे का मिलना क्या मुश्किल बात है, ठाकुर जी के चरणों में रख दिया, बस खुद ब खुद मिलान हुआ समझिए। गोपाल प्रसाद, ये ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक, थोड़ी देर रुक कर। लेकिन हाँ, यह जो मेरे कानों में भनक पड़ी है यह तो गलत है ना? रामस्वरूप चौंक कर, क्या? गोपाल प्रसाद, ये पढ़ाई लिखाई के बारे में? जी हाँ, साफ बात है साहब, हमें ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए। मैम साहब तो रखनी नहीं, कौन भुगतेगा उसके नखरों को, बस हद से हद मैट्रिक पास होनी चाहिए। क्यों शंकर? मतलब देखिए, पढ़े लिखे लोग हैं लेकिन बहू चाहते हैं कम पढ़ी लिखी। शंकर, जी हाँ, कोई नौकरी तो करानी नहीं। रामस्वरूप, नौकरी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। गोपाल प्रसाद, तो क्या साहब, देखिए कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि जब आपने अपने लड़के को बीए एमए तक पढ़ाया है तब उनकी बहुएं भी ग्रेजुएट लीजिए। भला पूछिए इन अक्ल के ठेकेदारों से कि क्या लड़कों की पढ़ाई और लड़कियों की पढ़ाई एक बात है? अरे मर्दों का काम तो है ही पढ़ना और काबिल होना, अगर औरतें भी वही करने लगी, अंग्रेजी अखबार पढ़ने लगी और पॉलिटिक्स वगैरह पर बहस करने लगी, तब तो हो चुकी गृहस्थी। जनाब, मोर के पंख होते हैं मोरनी के नहीं, शेर के बाल होते हैं शेरनी के नहीं। देखिए, इन बातों से हमें पता लग रहा है कि गोपाल प्रसाद की लड़के और लड़की के प्रति मानसिकता अलग अलग है। वो दोनों में बहुत भेद मानते हैं। उनको मानना है कि लड़कियों के लिए अलग योग्यताएँ होती हैं और लड़कों के लिए अलग ना, वो लड़कियों का पढ़ना उतना ज़रूरी नहीं समझते। तो एक तरह से जो लड़के लड़की में समाज में जो भेदभाव है उसकी ओर यहाँ पे इशारा किया गया है, जो कि ठीक नहीं है। रामस्वरूप, जी हाँ, और मर्द की ढाड़ी होती है औरत के नहीं, हैं। रामस्वरूप की मजबूरी है, इसलिए वह भी जो है शंकर और गोपाल प्रसाद की बातों में या उनकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं, जबकि स्वयं वे उमा के पिता हैं और उन्होंने उमा को जिद करके आगे भी पढ़ाया है। लेकिन एक लड़की के पिता की व्यथा यही होती है कि उनकी लड़की एक अच्छे घर में शादी होके जाए, तो इसलिए वे उसकी योग्यता को छिपा रहे हैं, उसकी अधिक पढ़ाई लिखाई को भी जो है सामने नहीं लाना चाह रहे हैं। तो ये एक तरह से विडम्बना जो समाज में व्याप्त है उसकी और एक इंगित है। इसको हम इस तरह से ही समझेंगे कि ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन इसी समस्या को लेकर ये एकांकी भी लिखा गया है, तो हमें इसे समझना होगा। गोपाल प्रसाद, हाँ हाँ, वह भी सही है। कहने का मतलब यह है कि कुछ बातें दुनिया में ऐसी है जो सिर्फ मर्दों के लिए, और ऊंची तालीम भी ऐसी ही चीज़ों में से एक है। मतलब वो ये मानते हैं लड़की पढ़ी लिखी हो लेकिन ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा पढ़ा लिखा होना लड़की का हक नहीं है। रामस्वरूप, शंकर से चाय ओढ़ लीजिए, धन्यवाद, पी चुका। रामस्वरूप गोपाल प्रसाद से, आप? गोपाल प्रसाद, बस साहब अब तो खत्म ही कीजिए। रामस्वरूप, आपने तो कुछ खाया ही नहीं, चाय के साथ टोस्ट भी नहीं थे, क्या बताऊँ यह मक्खन। गोपाल प्रसाद, नाश्ता ही तो करना था साहब, कोई पेट तो भरना था नहीं, और फिर टोस्ट वोस्ट मैं खाता भी नहीं। रामस्वरूप, हैं, मेज को एक तरफ सरका देते हैं, फिर अंदर से दरवाजे की तरफ मुँह का जरा जोड़ के, अरे जरा पान भिजवा देना, सिगरेट मंगवाऊँ ना? कहने का मतलब जो सामान्य आतिथ्य होता है वैसा ही यहाँ भी चल रहा है, और इसी के द्वारा हमें सबकी मानसिकता का भी पता लग रहा है जो सामान्य वार्तालाप से, कि गोपाल प्रसाद शंकर की मानसिकता किस प्रकार की है।
और रामस्वरूप भी उनकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं। वो चाहते हैं कि उमा का विवाह जो है वो शंकर से हो जाए, वो एक अच्छे घर में जो है विवाह होके चली जाए। ऐसी एक पिता की जो आकांक्षा होती है उसी से रामस्वरूप भी जो है अछूते नहीं हैं। धन्यवाद।